हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं जितने भी सिपाही भर्ती हमारे हैं कि उनका जो अभी ज्वाइनिंग थी वो मई में होने वाली थी, बट अब ये मई में नहीं होकर 29 अप्रैल को ही होगी। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अमर उजाला है। तो ये आज मंगलवार लखनऊ का है, मंगलवार 9 अप्रैल 2019, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट दिन। तो यहाँ पे एक पेज दिया गया है, इस पेज में देखो यहाँ पे लिखा है लखनऊ का है, तो फिलहाल ये पूरे यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट में होगा ये। तो यहाँ पे लिखा गया है सिपाही भर्ती 2018-25 तक पूरी होगी चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल और सत्यापन प्रक्रिया। सिपाही भर्ती 2018 के तहत चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल और पुलिस सत्यापन 25 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 29 अप्रैल से पहले चरण में 23,541 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण शुरू होगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चयनित की सूची और ब्यौरा संबंधित जिलों में भेज दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक संबंधित थानों में के माध्यम से अभ्यर्थियों का सत्यापन करेंगे और उसी जिले में मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र देकर प्रशिक्षण केंद्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। कई जिलों में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में चुनाव को देखते हुए प्रक्रिया थोड़ी लेट हो रही है। मालूम हो कि जनवरी 2018 में सिपाही भर्ती 41,520 पदों के लिए सिपाही के, इनमें से 23,520 पुलिस, नागरिक पुलिस और 18,000 पीएससी के पद शामिल हैं। पहले चरण में 29 अप्रैल से नागरिक पुलिस और 23,520 सिपाही, और दूसरे चरण में 11 नवंबर से 18,000 पीएससी के चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण शुरू किया। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो गई है दोस्तों, कि जो सिविल वाले हैं उनको 29 अप्रैल से ही भेजा जा रहा है। बिल्कुल, मतलब इतनी जल्दी कर दिया जा रहा है उनका सब, बट जो यहाँ पे पीएससी वाले हैं उनका भी कोई ध्यान नहीं दिया ना, तो उनका भी ये भी क्लियर है कि यहाँ पे मेडिकल होना भी है कि नहीं उनका साथ में। और अभी इनके जो ज्वाइनिंग है वो भी बिल्कुल 11 नंबर पहले भी बोला गया था, अब भी वहीं पर हैं। मतलब इनका भी पूरा फोकस जो है वो सिर्फ 23,520 पे ही है, ये 18,000 के ऊपर कोई इनका फोकस नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप भी दोस्तों ट्वीट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, पीएससी ज्वाइनिंग नहीं तो वोट नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किया, क्योंकि हम लोग ने भी, जो पीएससी वाले बंदे हैं इन्होंने भी सिविल का साथ दिया था ट्वीट में, और इनको हक तो इनको समझ लो कि मिल चुका है, बट अभी हम लोग का कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है।